वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं आज क्वालकॉम आईसी पर। तो क्वालकॉम आईसी पर क्या होता है, क्या बूट सीक्वेंस होता है, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है। क्वालकॉम आईसी और मीडियाटेक आईसी, दो बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा कि अगर क्वालकॉम की आईसी लगी हुई है तो आपका क्वालकॉम का ही क्या होना चाहिए, उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। क्वालकॉम की चार्जिंग हो गई, क्वालकॉम की आपकी पावर आईसी हो गई, तो सारी चीजें, सीपीयू भी क्वालकॉम का होगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मीडियाटेक है तो मीडियाटेक सारा चलता है। दोनों में डिफरेंस क्या, क्वालकॉम को आज और डीपली बताने जा रहा हूँ। क्वालकॉम पे भी कम से कम 10 वीडियो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले चार्जिंग आईसी होती है। तो चार्जिंग आईसी बेसिकली बीक्यू सीरीज हो सकती है या पीएमआई हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उन दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगा। अभी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपका देखिए बैटरी के कनेक्टर होंगे। तो यहाँ पर आपका ये बैटरी के लिए है और यहाँ पर ग्राउंड है और बीच में दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है आईडी और एक होता है थर्मल के लिए। तो ये आईडी और थर्मल, ये दो चार पॉइंट इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो ये चारों पॉइंट पर आपको याद रखना है किस तरह से चीजें दिखती है, कैसे काम करती है, ठीक है। इसके अलावा ये बैटरी से यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ 0.1 ओम का, उससे इस तरह से क्या होगी, सप्लाई इस पर जाएगी। हमें जब भी डेडबूट रिपेयर करना है तो क्वालकॉम में हमें क्या लगाना है, हमेशा एडाप्टर लगाना है, चार्जर लगाकर चेक करना है, और अगर आपका मीडिया टैग है तो क्या लगाना है आपको, बैटरी लगाकर आपको चेक करना है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो अब सबसे पहले क्या होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें फ्यूल गेज भी होता है। फ्यूल गेज मतलब वही होता है जो हमारे कारों में होता है, फ्यूल गेज इंडिकेटर कि बैटरी कितनी बाकी है और क्या चीज है। थर्मल बेसिकली इसलिए होता है कि ओवर अगर हीटिंग हो रही है तो उसको इंडिकेट करता है। ये थर्मल आप हटा भी देते हैं, मतलब एनटीसी हटा भी देंगे तो ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। फ्यूल गेज पर दो पॉइंट होते हैं एंट्री पर, वीवेट VL90C3 और SRP, तो दो कनेक्टर्स होते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। और यही से एक सेंट रजिस्टर पर क्या होता है, सारी एंट्री होती है फ्यूल गेज की। अब वीवेट का नाम क्या हो जाता है, यहाँ से वीवेट हुआ और वीवेट का नाम यहाँ से क्या हो जाता है, चार्ज आउट हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, यहाँ से चार्ज आउट हो जाता है 3.2 से 4.2 वोल्ट के आसपास ये दिखाता है। पिन नंबर 14 और 15 पे आपको ये क्या हो जाएगा, चार्ज आउट दिख जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि यही लाइन थर्मिस्टर के पीएम लाइन से भी क्या होती है, जुड़ी रहती है, हीटिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन क्या करता है, देने के लिए होती है। अब अगर पीएमआईसी और अगर हम बीक्यूआईसी की बात करें तो इस सब आईसीओ पर एक सेपरेट वीडियो डालूंगा, तब सारी चीजें क्लियर होगी। अब डेड मोबाइल की टेस्टिंग के लिए हमेशा क्या लगाना होता है, हमें एडाप्टर लगाना होता है। एडाप्टर आप जैसे ही लगाएंगे तो चार्जिंग आईसी पर क्या होगा, एडाप्टर के वोल्टेज आएंगे और एडाप्टर का वोल्टेज क्या होगा आपको 3.2 से 4.2 वोल्ट होगा। और ये बीपीएच पावर के नाम से, क्लोज लेते जाना, बीपीएच पावर के नाम से क्या होता है, आउट होता है। तो ये अब नाम क्या हो जाता है इसका, बीपीएच पावर आउट। अब क्या होता है कि चार्जिंग आईसी 1.21 और 24 नंबर के पिन पर यहाँ से क्या होता है, इन होता है ये वोल्टेज, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, आईसी लगी होती है कि अगर वोल्टेज ओवर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस आईसी को आप बाईपास भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ आपने ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन हटा दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अब आगे क्या होगा, तो अब यहाँ पर वोल्टेज मिलते ही पिन नंबर 23 से एक कैपेसिटर पर वीएस वोल्टेज दिखाता है। अब ये कैपेसिटर पर यहाँ पर आपको वीएस वोल्टेज दिखेगा, इसको आप जरूर चेक करिएगा इस कैपेसिटर पर। और ये क्या होगा, मतलब आईसी वोल्टेज ले रही है कि नहीं, इस चीज का भी इंडिकेटर होता है। और यहाँ पर वोल्टेज आपको 5-6 वोल्टेज के आसपास इसका जस्ट डबल मिलता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आईसी की 15 और 16 नंबर पिन पर सिस्टम वोल्ट आउट होता है, जो एक कॉइल से होता हुआ 20 और 19 नंबर पिन से क्या होता है, बाहर निकलता है। 21 नंबर पिन पर बूट कैपेसिटर, जो मैं भी आपको बता रहा था, लगा होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना, हर फेस पर मिलता है, चाहे वो मीडियाटेक हो, क्वालकॉम हो, इस कैपेसिटर को आप हमेशा याद रखिएगा। अब और बीपीएच आउट होकर अब यहां से क्या होगा, ये बीपीएच आउट होगा और कहां जाएगा, पीएमआईसी पर जाएगा। और यही बीपीएच, ये जो बीपीएच है, ये एलईडी पर भी जाएगा, टच पर भी जाएगा और ईडीएल, क्वालकॉम मोड पर, ईडीएल मोड पे हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। और बीपीएच क्या होगा, 3.2 से 4.2 वोल्ट होगा। बूट कैपेसिटर 21 नंबर पिन पर हमें क्या होता है, कैपेसिटर के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद चार्जिंग आईसी क्या करती है, यहाँ से क्या करती है, पावर की के लिए क्या करती है, जो पावर की पर जाता है, तो मतलब यहाँ पर पावर की, ये देखिए पावर की लगी है यहाँ पर 1.8 वोल्ट
ये यहां से क्या होता है चार्जिंग आईसी से इस पर जाता है। ये चीजें आपका ध्यान देना है कि पावर कीपर वोल्टेज पहुंचा कि नहीं। पावर कीपर डायोड अगर खराब होंगे तो ट्रिगर नहीं लेगा, तो इस पर एक डायोड लगा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब बीक्यू से एक वोल्टेज निकलता है या पावर गुड होता है जो कहां पर जाता है, ये मिल रहा है चार्जिंग आईसी एकदम ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि चार्जिंग आईसी क्या है बिल्कुल ओके है, तो ये इस चीज का सूचना देने के लिए होता है। अब पीएम समझ जाएगी कि आईसी एकदम सही है, पीएम आईसी। अब ये अगर ये वोल्टेज क्या होता है पीएम गुड मिलता है, मतलब बीक्यू से पीएम गुड मिलता है पावर गुड जो 1. वोल्ट होगा जो जाएगा, अगर ये वोल्टेज मिल रहा है मतलब अगर इसको ये वोल्टेज मिल रहा है चार्जिंग आईसी एकदम चाहे ठीक है, मतलब चार्जिंग आईसी सूचना देती कि मैं एकदम ठीक हूं, अब आप क्या करो आगे की चीजों को करो। अब क्या होगा जो पीएम आईसी है समझ जाएगी कि अब हमें क्या है हमारी जो चार्जिंग है बिल्कुल ठीक है, अब वो क्या करेगी सबसे पहले एलएलडीओ और एचएलडीओ और एलएलडीओ दो वोल्टेज क्या होंगे निकलेंगे, ये आप सबसे पहले आप देखेंगे कि एचएलडीओ और एलएलडीओ ये दो वोल्ट होंगे, एचएलडीओ 2.04 वोल्ट 5 वोल्ट होगा और एलएलडीओ होगा 1.3 वोल्ट होगा, तो ये चीज अब आपको याद रखना है। बीपीएच एंटर होते ही सबसे पहले पावर आईसी क्या करेगी S4, ये आपका S4 है और ये S3 है, S4 पर क्या करेगी 2.05 एलडीओ और यह वोल्टेज कॉइल लगाकर वापस क्या होता है पीएम पे ही जाता है, तो ये कॉइलें लगी हुई वापस पीएम पे जाता है। और एचएलडीओ होते ही पावर आईसी बहुत सारे वोल्टेजेस क्या करती है निकालती है। अब यहां पर आप याद रखिएगा कि बीक्यू आईसी होगी तो ग्राफिक्स और लाइट आईसी अलग लगी होगी, अगर बीक्यू लगी है चार्जिंग में तो लाइट और कौन सी आईसी ग्राफिक्स आईसी अलग होगी, बीपीएच पावर आईसी से अलग लाइट सेक्शन और ग्राफिक्स सेक्शन क्या होंगे अलग होंगे। नेटवर्क को 3G 4G पीजी 4G पीए और एपीटी आईसी पर चार्जिंग लाइट क्या होगी इंडिकेटर होगा। इसके अलावा फिंगर एलडीओ कैमरा आईसी ईयरफोन आईसी आईआर इंफ्रारेड एलईडी और आईआर सेंसर इन सब के लिए भी क्या हो जाएगा आउट होगा। इसके बाद पावर आईसीओ एलएलडीओ 1.3 वोल्ट निकालेगी जो यहां से वापस फिर पावर आईसी पर जाएगा। अगर एचएलडीओ और एलएलडीओ नहीं बन रहे तो ये मान के चलिएगा कि बहुत बड़ी दिक्कत है, तो सबसे पहले इनको जरूर चेक करिए, अदरवाइज क्या होगा आपका सेट डेड की कंडीशन में चला जाएगा। अब S1 वोल्ट 0.2 1.2 वोल्ट S2 वोल्ट S3 तो ये है S5 और S6 ये वोल्टेज क्या होंगे आउट होंगे। और ये वोल्टेजेस क्या होंगे अब मैं आपको बताता हूँ, मीडिया टेक में बिना सिम लगाए मॉडम का वोल्टेज क्या हो जाता है बन जाता है, लेकिन कॉलकॉम में आपको क्या लगाना पड़ेगा सिम लगाना पड़ेगा। S2 जो वोल्ट होता है S1 वोल्ट 0.8 से 1.2 वोल्ट मॉडम वोल्ट होगा, S2 वोल्ट सीपीयू का कोर वोल्टेज होगा 0.8 से 1.2 वोल्ट और S5 S6 वोल्ट कॉइल से होकर APC 0.8 से 1.2 वोल्ट ये भी कहा जाएगा आपका सीपीयू में जाएगा। और ये बेसिकली क्या होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर होता है, कॉइल के थ्रू जो भी वोल्टेज है ये सब बक वोल्टेज है ठीक है। इसके बाद सीपीयू पर वी रेफरेंस L3 वोल्टेज 1.2 जाएगा, वी बायस वोल्टेज जाएगा 1.2 वोल्ट, वी रेज 1.5 वोल्ट, वी रेज L7 1.8 वोल्ट, वी रेज L2 12 वोल्ट, वी रेज L3, वी रेज L8, वी रेज L11, वी रेज L12 ये 3.0 2.9 2.95 और वी रेज L12 2.95 वोल्ट आउट होगा। वी रेज जो L12 है ये EMC और CPU और PMIC तीनों के लिए है ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। EMMC पर वी रेज L12 भी जाएगा और वी रेज 1.8 भी जाता है, EMMC पर वी रेज 1.8 और L5 1.8 ये दोनों वोल्टेज जाएंगे। अब CPU MSM RST 1.8 वोल्ट किसको भेजेगा इसको ये कौन सी है पावर आईसी को ठीक है। अब CPU MSM RST 1.8 वोल्ट सॉरी EMMC को भेजेगा, कौन सा वोल्टेज भेजेगा ये ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं MSM RST 1.8 वोल्ट, ये देखिए मैंने अलग से बनाया हुआ है, ये वोल्टेज कहाँ जाएगा EMMC पर जाएगा। ये सारे वोल्टेज CPU को ऑन करने के लिए मतलब उसको रेडी करने के लिए होते हैं। सीपीयू पर क्रिस्टल से भी क्या होता है क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी भी जाती है। पीएमआईसी एक वोल्ट PM ON RC, अब PMIC क्या करेगी PM ON RC
पीएम ऑन आरसी ईएमएमसी और चार्जिंग आईसी को भेजेगी। ठीक है, तो ये पीएम ऑन ये इसको भी जाएगा और ये चार्जिंग को भी जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, भेजती है जो 1.8 वोल्ट होता है। अब सीपीयू पीएस होल्ड 1.8 वोल्ट किसको भेजेगा, पावर आईसी को। कितना, पीएस होल्ड, ये वोल्टेज 1.8 वोल्ट पावर आईसी को जाता ही जाता है, इसको कहते हैं पीएस होल्ड वोल्टेज। ये देखिए यहां से पीएम आईसी को जा रहा है। अब आईसी सभी वोल्टेज बक और एलडीओ वोल्टेज स्टेबल कर देगी। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर पीएस होल्ड वोल्टेज मिल गया है तो मतलब लगभग ये सारे वोल्टेजेस क्या हो गए, मिल चुके हैं। मीडिया टेक से इसमें अंतर क्या है, ये आप ये वाला कैपेसिटर याद रखिएगा। मीडिया टेक से इसमें अंतर क्या है कि मॉडम का वोल्टेज आपको याद रखना है, मॉडम का वोल्टेज कब बनेगा, जब आप सिम लगा देंगे और इसमें वो वोल्टेज अपने आप बन जाता है। इसके अलावा जब क्वालकॉम को चेक करना है तो एडाप्टर लगाना है, और अगर मीडिया टेक को चेक करना है तो बैटरी पर सारा काम होगा। सॉरी, इनमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग है क्वालकॉम का, मीडिया टेक का, सबके बूट सीक्वेंस याद रखिएगा, कोई भी वोल्टेज मिस है कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी, सेट डेड की कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, मॉडम से लेकर एपीसी वोल्टेज, इसके अलावा जो कोर वोल्टेज है, सारे वोल्टेज इस तरह से पीएम 8937 आईसी निकालती है। चार्जिंग आईसी मैंने समझा दी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको बता दिया, बैटरी कनेक्टर यहां से आपकी तीन लाइनें मैंने बता दी आपको। तो इस तरह से ये वीडियो था जिस पर हम सारी चीजें कराते हैं। वी रेफरेंस वोल्टेज कैसे निकला वो मैंने बताया, पावर की, पीएस ऑन, पीएस होल्ड, फ्री रेंज वोल्ट, ऑन ऑफ पे वोल्ट, और ये कैसे वोल्टेज आउट कर रही है वो सारी चीजें, फिर वापस पीएस होल्ड कैसे आ रहा है, फिर ये सीपीयू कैसे ईएमएमसी को आप सिग्नल दे रहा है वोल्ट के रूप में। कुछ वोल्टेजेस आप प्रॉपर चेक कर सकते हैं और कुछ सिग्नल्स आपको कायम चेक करने होंगे बेसिकली डीएसओ में। तो इस तरह से क्वालकॉम का बूट सीक्वेंस है, इस पर क्वालकॉम पे कम से कम मैं 10 आईसीओ का आपको बूट सीक्वेंस समझाऊंगा, मीडिया टेक पर भी 10 आईसीओ का समझाऊंगा, लेकिन उसमें से सिर्फ एक दो वीडियो ही डालूंगा, बाकी सारे वीडियो मुझे प्राइवेट करने होंगे। और अगर किसी को चाहिए वो मेरे को पर्सनल पर व्हाट्सएप करेगा तो सारे वीडियोस भी मैं उसको लिंक भेज दूंगा। तो ये था क्वालकॉम, क्वालकॉम पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी वोल्टेज इस तरह से चलते हैं, रिपेयरिंग निकालने लगाने से कोई नहीं सीख सकता जब तक बूट सिक्वेंस, आईसीओ की डिटेल, स्केमेटिक डायग्राम नहीं होगा, किसी भी तरह की रिपेयरिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो ये था क्वालकॉम का बूट सिक्वेंस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।